हेलो गाइस, आई एम अभिषेक कनौजिया। सो आज के ट्यूटोरियल में देखेंगे कैसे हम अपने ऑब्जेक्ट्स जो भी बनाएंगे हम मेथड्स, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। सो इससे कि पहले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे अपने जो भी फंक्शंस क्रिएट करते हैं, जो भी मेथड बनाते हैं, वो हम इस पब्लिक क्लास के अंदर क्रिएट करके उसको स्टैटिक कीवर्ड्स के यूज़ करते हुए बिना किसी ऑब्जेक्ट क्रिएट करे हुए हम इसको कॉल कर सकते हैं। बट अभी हम अपने नए मेथड्स इस पब्लिक क्लास के बाहर बनाएंगे एंड उसे ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए कॉल करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक बाहर एक क्लास बनाएंगे जो कि पब्लिक नहीं होगी, क्योंकि हमारे पूरे जावा फंक्शन में केवल एक ही क्लास पब्लिक क्रिएट की जा सकती है। सो अभी मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है, क्लास का नेम देंगे एडिशन। सो ऐड के अंदर या हम कैलकुलेशन इसको नेम देते हैं CAL। अभी इसके अंदर अपना मेथड क्रिएट करेंगे जो कि पब्लिक, देखिए जैसे कि आप यहाँ पे POB, इसके बाद अगर आप यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दिवाते हैं तो आपको ये पूरा पूरा ओपन हो जाएगा जो भी हमें हेल्प करता है। सो ये आपको क्विक रेफरेंस देगा, पब्लिक वॉइड मेथड का नेम। सो एडिशन का मेथड बना रहे हैं तो एडिशन, इसके अंदर हम यहाँ पे दो वेरिएबल्स लेंगे, इंटीजर एक्स इक्वल टू 10, इंटीजर वाई इक्वल्स टू 20। सॉरी, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे दोनों के वैल्यू को ऐड कराएंगे, system.out.println addition is plus x plus y। सिमिलर हम यहाँ पे नया भी क्रिएट करने वाले हैं, वन सेकेंड। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक मेथड और क्रिएट किया है जिसको मैं सब्सट्रैक्शन दूंगा। सब्सट्रैक्शन इस, यहाँ पे आपको साइन चेंज करना होगा। नाउ मैं यहाँ पे एक मेथड और दूंगा, जिसको मैं मल्टीप्लिकेशन दूंगा, मल्ट चेंज द साइन मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर मैं यहाँ पे एक डिवीजन का भी दूंगा। सो इस तरह से मैं आप देख सकते हैं मैंने एक न्यू क्लास क्रिएट की, उसके अंदर मैंने कई सारे मेथड्स क्रिएट कर लिए हैं। सो अभी मैंने इन सारे मेथड्स को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। सो मैं इस कॉल करने के लिए मुझे अपनी इस मेन क्लास में जो कि हमारी पब्लिक क्लास है, इसके अंदर मुझे इन सब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, वो अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो हमारी यहाँ पे क्लास है कैल, सो कैल ऑब्जेक्ट नेम वो भी मैं देता हूँ उसको न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए, वापस से कैल एंड फंक्शन ब्रैकेट का यूज़ करके मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे ही OB डॉट क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्सट्रैक्शन सारे मेथड यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। तो अभी मैं इन सबको कॉल करता हूँ, OB.addition। आप चाहें तो किसी भी इसको सीक्वेंस में कॉल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे जिस सीक्वेंस में मैंने क्रिएट किए हैं मैंने उसी सीक्वेंस में कॉल कर रहा हूँ। ओके, डिवीजन, तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें यहाँ पे अपने पहले इसका ये मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पे मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू एंड ये मैंने एक न्यू क्लास बनाई है जिसके अंदर मैंने कई सारे मेथड्स क्रिएट किए हैं। तो अभी मैं इसको रन कराता हूँ तो देखता हूँ क्या मुझे आउटपुट मिलता है। तो मुझे एडिशन मिल रहा है यहाँ पे 30, सब्सट्रैक्शन 200। सॉरी, यहाँ पे मैं नेमिंग चेंज करना भूल गया हूँ। सो ये तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, अभी मैं इसको रीरन कराता हूँ तो आप देख सकते हैं मुझे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन सब मुझे यहाँ पे मिल रहा है। सो इस तरह से आप अपने मेथड्स नए क्लास में क्रिएट करके आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। सो
आप यहाँ पे इनको कई बार कॉल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इन दो मेथड्स को फिर से कॉल कर रहा हूँ। सो ये एक फ़ायदा है हमारा यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने का, कि आप उसको बार बार कॉल कर सकते हैं उन मेथड्स को। सो आप देख सकते हैं डिवीजन के बाद यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे दो मेथड मैंने फिर से कॉल किए हैं, यहाँ पे दोनों फिर से कॉल हो रहे हैं। सो आप समझ गए होंगे किस तरह से मैंने यहाँ पे मेथड्स क्रिएट किए हैं। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।